जब सेना के बीच खड़े हो, युद्ध की भूमि में खड़े हो, उस समय नेतृत्व और दिशा देने वाले व्यक्ति का सामर्थ्य होता है कि उसमें विजय का विश्वास चाहिए, उसमें सामर्थ्य चाहिए, उसमें रणनीतिक कौशल्य चाहिए और खुद फ्रंट पे खड़े रह करके लीड करने का जज्बा चाहिए, तब जाकर के युद्ध जीते जाए। मित्रों, हमारे देश की सेना उसका एक ही रूप लोगों के सामने आता है, वो यूनिफॉर्म में सज होते हैं, वो सीमा पर तैनात होते हैं, वो दुश्मन के दांत खट्टे करने की ताकत रखते हैं, उनको एक ही रूप में हमने देखा होता है। लेकिन ये हमारे देश की सेना का हमें गर्व है कि दुश्मनों के लिए जितनी कठोरता से वो पेश आ सकते हैं, उतनी रुझुता और मूर्खता के साथ देश में संकट के समय नागरिकों की सेवा के लिए काम आते हैं। बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। वान वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो।
वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो काल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो आन वान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे दबाना चाहे ये देश हमारा दबने वाला नहीं तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें।